उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बाप इतना बेरहम निकला कि उसने अपनी बेटी के प्रेमी की झूठी फोन कॉल पर आग बबूला हुआ और उसने अपने हाथों से बेटी का बेरहमी से गला घोंट दिया। बेटी दुहाई देती रही, हाथ पैर जोड़ती रही कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं है और वह लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन इस बेरहम पिता के हाथ नहीं कांपे और उसने केबिल वाले तार से बेटी का गला घोंट कर मौत के घाट उतार डाला। अब उस बेटी की माँ ने अपने हत्यारे पति के खिलाफ बेटी की हत्या की FIR दर्ज लिखवाई है, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला कानपुर के रावतपुर इलाके का है। यहाँ रहने वाली 16 साल की लड़की का सोनू नाम के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोनू लड़की से शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़की के पिता इसके लिए तैयार नहीं था। लड़की के माँ बाप का कहना था कि लड़की अभी बहुत छोटी है। बीते दिनों प्रेमी सोनू ने लड़की के पिता को फोन पर एक फर्जी सूचना दी कि तुम्हारी बेटी से मेरा प्रेम संबंध है और वह इस समय प्रेग्नेंट भी है, इसलिए मैं उससे शादी करूंगा, बेटी से मेरी शादी करवा दो। बेटी के प्रेमी के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई और फिर वह इस बात से काफी आग बबूला हुआ और वह गुस्से में घर आया और सबसे पहले अपनी पत्नी को लेकर मायके में छोड़ाया और फिर दारू पी और नशे में ही अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने केबिल का तार लिया और बिस्तर पर सो रही बेटी का गला घोंट दिया। इस दौरान लड़की के चीखने चिल्लाने पर मकान के किराएदारों को हत्या की भनक लग गई और उन्होंने लड़की की माँ को फोन कर इस बारे में सूचना दी। माँ मौके पर आई तो पिता ने उसको भी पीटना शुरू कर दिया। माँ ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस भी मौके पर आई और देखा कि बेटी की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। आरोपी पिता भी बगल में खड़ा हुआ था और माँ रो रही थी। पुलिस ने जब आरोपी पिता को गिरफ्तार किया तो उसने सीधे कबूल कर लिया कि मैंने ही अपनी बेटी की हत्या की है। माँ का कहना है कि पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और कभी मारते भी नहीं थे। इस लड़के सोनू ने फर्जी सूचना दी थी कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और इसलिए ही मेरे पति ने बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है।